सर्वप्रथम में संत परम पूज्य माधवाचार्य पूज्य राघवेंद्र स्वामी जी को प्रणाम करके मेरी बात की शुरुआत करता हूं। वर्तमान पीठाधिपति श्री श्री सुरेंद्र तीर्थ स्वामी जी को भी मैं नमस्कार करता हूं। आज प्रभु श्री राम की कृपा से ही वर्चुअल माध्यम से इस भव्य मूर्ति के शिलान्यास में मुझे शामिल होने का मौका मिला है, इसलिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मित्रों, आज जब मैं यहां आया हूं तब ये भव्य प्रतिमा मंत्रालय कर्नूल में श्री राम के भव्य पंचलोहा प्रतिमा का शिलान्यास हुआ है। इस भव्य प्रतिमा की ऊंचाई 108 फीट है। 108 हमारी हिंदू संस्कृति में बहुत ही पवित्र संख्या है। इस परियोजना की कुल लागत 500 करोड़ से ज्यादा है। यह प्रोजेक्ट 2.5 साल में पूरा होगा और 10 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ प्रोजेक्ट है। ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित मंत्रालय गांव में राघवेंद्र स्वामी के मंदिर के लिए ये स्थान बहुत प्रसिद्ध है। इसके साथ साथ इसका ऐतिहासिक महत्व है। यही तुंगभद्रा के किनारे से महान विजयनगर साम्राज्य का उद्भव हुआ, जिसने पूरे दक्षिण में आक्रमणखोरों को खदेड़कर फिर से स्वदेश और स्वधर्म का प्रादुर्भाव किया था। और आज यहाँ पर इस भव्य प्रतिमा का शिलान्यास हुआ है। मंत्रालय दास साहित्य प्रकल्प के तहत आवास, अन्नदानम, प्राणदानम, विद्यादानम, पेयजल और गौ संरक्षण के कई सारे विषयों को आगे बढ़ाया है। आज मैं दक्षिण की बहुत समृद्ध वैष्णव परंपरा को सबको सभी संतों को प्रणाम कर मेरी बात समाप्त करना चाहता हूँ। आज जब यहाँ प्रभु श्री राम का विग्रह स्थापित हो रहा है, उसी समय मोदी जी ने अयोध्या में सालों से हम जिसकी राह देख रहे थे, वो श्री राम मंदिर का रास्ता भी प्रशस्त किया है और श्री राम मंदिर का उन्होंने शिलान्यास किया था। ये दिन अब दूर नहीं है कि श्री राम मंदिर में राम लल्ला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी, स्थापना होगी और फिर से एक बार सैकड़ों वर्षों के बाद प्रभु श्री राम अपने निज गृह के अंदर विराजेंगे। इस अवसर पर मैं मंत्रालय में स्थित मठ के पीठाधीश जी को प्रणाम करता हूँ और पूरी वैष्णव परंपरा को प्रणाम कर मेरी श्रद्धा व्यक्त करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि ये मंत्रालय में स्थापित 108 फुट ऊंची प्रभु श्री राम की प्रतिमा, जिसका आज शिलान्यास हुआ है, युगों युगों तक समग्र दुनिया को हमारे सनातन धर्म का संदेश पहुंचाएगी और वैष्णव परंपरा को देश और दुनिया में मजबूत करेगी। मैं फिर से एक बार स्वामी जी के श्री चरणों में प्रणाम कर मेरी बात को समाप्त करना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद।